दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों हम महेश वर्णवाल की जियोग्राफी की बुक की डिटेल एनालिसिस कर रहे थे और इसी क्रम में हमने पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया था। अब शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी में यह है अध्याय एक, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएँ, यानी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई पृथ्वी और उसके संबंध में लोगों की कल्पनाएँ क्या थी, यह सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे। फ्लो चार्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले दो हिस्से कौन से हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद है। अब इनके भी कुछ हिस्से बट गए हैं, तो इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड के लिए हमने बिग बैंग की थ्योरी देख रखी है और वहाँ देखा कि एक जलता हुआ आग का गोला था, एक विशालकाय अग्निपिंड था और वह एकाएक फट गया, उसके अंदर बैंग हो गया यानी विस्फोट हो गया। जब वह आग का गोला फटा तो उससे डार्क मैटर उत्पन्न हुआ और सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, आकाशगंगाएं बनी, पूरा ब्रह्मांड उसी से बना है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ भी हमारी पृथ्वी उसी बिग बैंग का अगर नतीजा है, मान लीजिए अगर बिग बैंग का ही नतीजा है जिसे हम आज सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो एक समय ऐसा रहा होगा कि पृथ्वी भी उसी आग के गोले के समान जल रही होगी, यानी इसका भी ताप उतना ही रहा होगा जितना उस आग के गोले का रहा होगा। क्योंकि किसी गर्म चीज़ से अगर आप कोई छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं तो वह टुकड़ा भी उस गर्म वस्तु के समान ही तप रहा होता है, उसका भी तापमान वैसा ही होता है। ठीक यही चीज़ हमारी पृथ्वी के साथ भी हुई होगी। तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ है, इसकी सतह धीरे धीरे ठंडी हुई है और ठंडी हो रही है और इसी का नतीजा है यहाँ पर जीवन का उत्पन्न होना या जीवन की संभावना है। एक समय ऐसा रहा होगा कि यह रहने योग्य नहीं रही होगी, बिल्कुल सूर्य के समान यह भी प्रज्वलित रही होगी, अगर बिग बैंग की थियोरी सच है तो, और अभी तक हम उसे सच मानते हैं। तो यहाँ अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, या वैज्ञानिक न कहें इन्हें दार्शनिक कह लें, तो इनके विचार भिन्न भिन्न थे, यह विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सोचते थे। इसीलिए इनके विचारों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक परिकल्पना का नाम रख लिया गया अद्वैतवाद और दूसरी का नाम रख लिया गया द्वैतवाद। अब जो अद्वैतवादी थे उसमें एक तो थे लाप्लास और दूसरे थे कांट, जबकि द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलैन का नाम आता है, जेम्स जीन्स का नाम आता है, ऑटो श्मिट का नाम आता है और रसेल का नाम आता है। इन सभी वैज्ञानिकों के विचारों को हम यहाँ क्रमशः देखेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी हमारे पेड कोर्सेज के बारे में, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। यूपीएससी के लिए भी इसे लॉन्च कर दिया गया है, 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और जो बिहार का पीसीएस है बीपीएससी, उसके लिए भी यह संचालित हो रहे हैं। इनमें पूरा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा, बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इन सब के अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए, यह निःशुल्क है और यहाँ से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होंगे। बहुत बार नोटिफिकेशन समय पर न मिल पाने की वजह से आप किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को समय रहते नहीं देख पाते, तो वह समस्या यहाँ सुलझाई जा सकती है इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो इसे अवश्य ज्वाइन करिए। आइए आगे चलते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ब्रह्मांड कैसे बना। कहा जाता है कि इंसान की जो कल्पनाएँ हैं या इंसान की जो इच्छाएँ हैं उनका कोई अंत नहीं होता, तो यह बिल्कुल सही बात है, यह एकदम सत्य है। पहले सोचा जाता था कि ब्रह्मांड कैसे बना, उसका कुछ हद तक उत्तर मिल गया तो उसके बाद सोचने लगे कि पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी पर इतनी चीज़ें एकाएक प्रकट कैसे हो गई। तो सोचना मनुष्य का स्वभाव है और यही जिज्ञासु स्वभाव उसे अन्य जीवों से अलग करता है। अन्य जीव जो है वो सिर्फ अपने भोजन और अपने जीवन के बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा बहुत खाना मिल गया उनका जीवन वहीं संपूर्ण हो गया, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं सोचता। मनुष्य का पेट भर जाता है तो वह पूरी दुनिया के बारे में, पूरे विश्व के बारे में विचार करना शुरू कर देता है और यही कारण है कि उसने बहुत कुछ जाना भी है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में जिज्ञासा लोगों के मन में हुई और बहुत कुछ जाना भी गया है अभी तक पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का विकास एकाएक से नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जैसी अभी दिखाई दे रही है वैसी ही पहले भी रही होगी। यह बनी है तो क्रमिक विकास के दौर में बनी है और उसी क्रमिक विकास को हम इस अध्याय में भी देखेंगे और अगले अध्याय में भी इसी से संबंधित चर्चा होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो लोगों के विचार थे, पीछे हमने देखा कि वह दो भागों में बट गए। अद्वैत और द्वैत, ये जो दो शब्द आए हैं ये भारतीय दर्शन से लिए गए हैं। भारतीय दर्शन में दो शाखाएं अद्वैत और द्वैत के रूप में दिखाई देती हैं।
यहाँ पर जो अद्वैतवादी संकल्पना है उसमें कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना हम लोग देख रहे हैं और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को देख रहे हैं। ये फ्लो चार्ट में आप दोनों को देख सकते हैं। लाप्लास भी एक वैज्ञानिक थे और कांट भी एक वैज्ञानिक थे। सबसे पहले हम कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना को देखेंगे और उनकी परिकल्पना के दोषों को दूर करते हुए लाप्लास ने जो सिद्धांत दिए उनको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि अद्वैतवाद होता क्या है, यानी अद्वैतवादी संकल्पना का आधार क्या था। तो आइए देखते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना पेरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानी जाती है। पेरेंटल हाइपोथेसिस का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? पेरेंट मतलब माता पिता, आप जानते हैं, और हाइपोथेसिस मतलब कल्पना। तो यह माता पिता से जुड़ी हुई कल्पना थी। इसका मतलब क्या कि पृथ्वी के भी कुछ माता पिता रहे होंगे? तो बिल्कुल, इस संकल्पना में यह जो संकल्पना है इसके अनुसार सौर मंडल, अब सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उसमें पृथ्वी भी शामिल है, उसमें पृथ्वी को इन्वॉल्व करके देखिएगा, इन सब की उत्पत्ति एक ही वस्तु से हुई है। और वह वस्तु क्या है? एक स्टार है, एक सितारा है। वह तारा जो है उसी से टुकड़े अलग हुए, ऐसी कल्पना की जाती है। उसी से विभिन्न ग्रहों का सृजन हुआ और हमारी पृथ्वी भी बनी। तो वह क्या हुआ? इन सब का पेरेंट हुआ, इन सब का जनक हुआ। अद्वैतवादी संकल्पनाओं में कांट और लाप्लास की संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब ये है कि अद्वैतवादी संकल्पनाएं और भी हैं, लेकिन यही दो जो हैं प्रमुखता से देखी जाती हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कांट को। कांट की जो परिकल्पना है इसको वायव्य राशि की परिकल्पना कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना। वायव्य का मतलब क्या होता है? कांट तो वैज्ञानिक का नाम हो गया, वायव्य राशि का मतलब क्या है? वायव्य का मतलब होता है वायु से संबंधित, वायु से संबंधित, वही है वायव्य। वैसे वायव्य एक दिशा भी होती है, आप जानते हैं दिशाएं 10 होती हैं। चार दिशाओं के बारे में तो हम सामान्य रूप से देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा जो कोने होते हैं दिशाओं के, जैसे पूर्व और उत्तर का कोना, वैसे ही उत्तर और पश्चिम का कोना, वैसे ही पश्चिम और दक्षिण का कोना, और वैसे ही दक्षिण और पूर्व का कोना, इन कोनों के भी अपने नाम हैं। इसके अलावा धरती और आकाश को भी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने दिशाएं ही माना है। तो इस प्रकार से दिशाएं 10 होती हैं। अब यहाँ पर जो वायव्य राशि की परिकल्पना है यह असल में है क्या? जर्मनी के दार्शनिक कांट ने, यह जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को आधार बना लिया। यानी न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दे रखे थे उन्हीं को इन्होंने बेस बनाया और कहा, इन्होंने क्या कहा कि एक केंद्राप्रसारित बल है और उसी के प्रयास से एक तप्त एवं गतिशील निहारिका के कई गोल छल्ले अलग हो गए। यानी एक तपती हुई और चलायमान निहारिका थी, तपती हुई और गतिशील यानी चलती फिरती निहारिका थी, उससे कई गोल छल्ले अलग हो गए, यानी रिंग्स ऐसे ऐसे अलग हो गई। और यही छल्ले बाद में ठंडे हुए, पहले क्या था, तप रहे थे क्योंकि निहारिका तप्त थी, उससे अलग हुए तो वे भी तप रहे थे। जब इनका शीतलन हुआ, ये ठंडे हुए, तो सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। सौर मंडल के विभिन्न ग्रह निकलकर उन्हीं छल्लों से सामने आए और पृथ्वी भी इन्हीं छल्लों में से एक है, यानी हमारी अर्थ जो है वह भी इन्हीं छल्लों में से एक गिनी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या हुई? बात तो बहुत अच्छी कही कि कुछ छल्ले थे और उन्हीं छल्लों से ग्रह बन गए, मान भी ली जाती, इसे मान भी लिया जाता, लेकिन क्यों नहीं माना गया? तो देखिए, विज्ञान जो है वो कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं करता और भूगोल का एक बड़ा हिस्सा विज्ञान में समाहित है। तो यहाँ पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया कि आप साबित करिए कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा हम क्यों मान लें कि यही हुआ होगा। तो इन्होंने गणितीय नियमों को आधार बना लिया, गणित के नियमों को इन्होंने बेस बनाया। जब गणित के नियमों को यहाँ पर आधार बना लिया गया, यानी कांट ने अपनी बात को साबित करने के लिए गणित का सहारा ले लिया, तो बात तो ठीक थी। लेकिन यहाँ पर जो कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम होता है भौतिक विज्ञान में, वह सिद्ध नहीं हो पाया। यानी गणित के नियम उस सिद्धांत को संतुष्ट नहीं कर पाए और यहीं पर आकर कांट फंस गए। इन्हें यहीं से रिजेक्ट कर दिया गया, कहा गया कि इनकी परिकल्पना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर परिक्रमण करेगी या किसी गोलाकार पथ पर चक्कर लगाएगी तो वहाँ पर कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत अवश्य ही काम करेगा, और वह सिद्धांत यहाँ पर बेकार साबित हो रहा था। इसलिए कांट की परिकल्पना कोरी साबित हुई, उसे माना नहीं गया। देखिए दोस्तों, गणित जो है वो विज्ञान की जबान कही जाती है, विज्ञान की भाषा कही जाती है। विज्ञान अगर कुछ बोलेगा तो वो गणितीय सिद्धांतों के माध्यम से ही बोलेगा,
लेकिन सिर्फ गणित को अगर आधार बना लेंगे तो जो बाकी विज्ञान के सिद्धांत हैं वो पीछे रह जाएंगे। दोनों को मिलाकर चलना चाहिए, और कांट ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए असफल हो गए। अब जब कांट असफल हुए तो लाप्लास के पास एक गोल्डन चांस था, सुनहरा अवसर था। उन्होंने क्या किया, इसी परिकल्पना को थोड़ा सा सुधार दिया। उन्होंने इसी परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन कर दिया, और वो संशोधन क्या था देखते हैं। तो लाप्लास की नई परिकल्पना निकल कर आई जो कि थी निहारिका परिकल्पना। निहारिका शब्द का उपयोग पीछे कांट ने भी कर रखा है, और इन्होंने भी उसी का आधार लिया, यानी निहारिका को यह भी मानते थे। यह फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत को संशोधित किया, यानी उसमें सुधार कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि एक विशालकाय तप्त निहारिका है, उससे पहले एक ही छल्ला अलग हुआ, बड़ा सा छल्ला। एक तपती हुई निहारिका की कल्पना इन्होंने भी की, लेकिन कहा कि पहले एक ही छल्ला अलग हुआ और उसके बाद वह 9 छल्लों में विभाजित हो गया, यानी उसी के 9 हिस्से बट गए, 9 छोटे छोटे पार्ट बट गए, और इसी से ग्रह बने या सौर मंडल का सृजन हुआ। अब यह छल्ले जो थे, मतलब ये जो अलग हुए 9 छल्ले थे इस प्रकार से, ये अपने पितृ छल्ले यानी जो मूल बड़ा सा छल्ला था उसी के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे, यानी इसी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाने लगे। तो लाप्लास की परिकल्पना बिल्कुल कांट जैसी ही थी, बस फर्क ये था कि उन्होंने छल्लों का विभाजन पहले ही कर दिया था, यानी कांट ने, और लाप्लास ने कहा कि पहले एक बड़ा सा छल्ला था, उससे 9 छल्ले निकलकर सामने आए, तो इन्होंने विभाजन बाद में किया, बस इतना ही अंतर था। और इन्होंने भी कहा कि वह छल्ले पहले तप रहे थे, बाद में उनका शीतलन हुआ, वह ठंडे हुए, और ग्रहों का निर्माण हुआ, इसी में से पृथ्वी भी एक है। तो यह पृथ्वी की उत्पत्ति की दूसरी परिकल्पना हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से हमने दो परिकल्पनाएं देखी, एक तो लाप्लास की थी, दूसरी कांट की थी। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे है द्वैतवादी संकल्पना। अभी तक अद्वैतवादी चल रहा था, द्वैतवादी में थोड़ा सा अपोजिट है, एक तरह से कह लें तो ये अद्वैतवाद का विलोम है, इसकी विचारधारा भिन्न थी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई निहारिका जैसी चीज़ नहीं थी, असल में ग्रहों को उत्पन्न करने के लिए तारे जिम्मेदार थे। द्वैतवादी संकल्पना का कहना था कि ग्रहों को उत्पन्न करने के लिए तारों का अहम रोल है वहाँ पर, और दो तारों के संयोग से जितने भी ग्रह हैं वह उत्पन्न हुए हैं। दो स्टार्स थे, उन्हीं का आपस में संयोग हुआ, वे आपस में मिले या टकराए जैसा भी होगा, तो उनके संयोग से ग्रहों का सृजन हुआ, और इसीलिए इस संकल्पना को बाई पैरेंटल कहा जाता है, बाई पैरेंटल हाइपोथिसिस कहा जाता है। बाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पर दो माता पिता हैं, यानी मदर और फादर हैं। तो इस तरह से बाई पैरेंटल हाइपोथिसिस निकल कर सामने आई। यहाँ पर दो स्टार्स हैं, ये याद रखिएगा, द्वैतवादी संकल्पना में दो सितारों पर पूरी ग्रहों की जो सृष्टि है वो आधारित थी। अब इसके अंतर्गत चैम्बरलिन की परिकल्पना है और जेम्स जीन की है, यह सब परिकल्पनाएं जो हैं हम इन्हें आगे देखेंगे। तो सबसे पहले चैम्बरलिन और मॉल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना को देखते हैं। यह परिकल्पना बाद में आई है, ये 1905 में आई, यानी लाप्लास और जो कांट वाली परिकल्पना थी वो इससे पुरानी है। तो 1905 में चैम्बरलिन और मॉल्टन नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। ग्रहाणु यानी ग्रह के अणु या ग्रह के कण। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण, यानी जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है, यानी तपती हुई गैस आधार वाली यानी गैसों से भरी हुई निहारिका से ग्रह नहीं बने हैं। तब बने कैसे हैं, इनका निर्माण ठोस पिंडों से हुआ है, यानी जो पदार्थ इनके अंदर है वह ठोस है, इसका मतलब है कि इनको बनाने वाला पिंड या टुकड़ा ठोस रहा होगा प्रारंभ में। अब इन्होंने यहाँ से अपनी बात कहनी शुरू की कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, यानी दो बड़े बड़े स्टार्स थे बड़े साइज के, और उसमें से एक सूर्य था, यानी हमारा जो सूरज है सन है वह भी उनमें से एक था, और दूसरा जो तारा था वह भ्रमणशील था, वह घूम रहा था। अब इसका मतलब यहाँ इन्होंने भी सूर्य को स्थिर मान रखा है, एक तारे को इन्होंने भ्रमणशील कहा और सूर्य को कहा कि सिर्फ सूर्य है, उसके बारे में ये नहीं कहा कि वह भी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब है कि इन्होंने सूर्य को लगभग स्थिर मान रखा है। जब यह अन्य विशाल तारा यानी दूसरा वाला जो चलायमान बड़ा वाला तारा था वह सूर्य के पास पहुंचा, इसे ऐसे देख लीजिए, यह सन है और यह एक और बड़ा तारा है, यह चल रहा है, ऐसे हो सकता है इसके चारों ओर या आकाशगंगा के चारों ओर कहीं टहल रहा हो। और जब यह अपने टहलते टहलते अपने पथ के हिसाब से सूर्य के पास पहुंचता है, सूर्य के निकट पहुंचता है,
तो यहाँ पर होता क्या है आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में? दो भारी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि इनके अंदर द्रव्यमान है, तो आकर्षण शक्ति यहाँ भी काम करने लगती है। कौन सी आकर्षण शक्ति? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। तो यह आकर्षण शक्ति सूर्य पर असर डालती है। बड़ा वाला जो तारा है वह अपनी आकर्षण शक्ति से सूर्य को प्रभावित करता है और सूर्य के धरातल से, यानी जो सूर्य की ऊपरी सतह थी, इसका जो बाहरी हिस्सा था, वहाँ से असंख्य कण अलग होने लगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो निकलकर भागने लगे। ये सब गुरुत्वाकर्षण बल का असर था, ऐसा कहना था चैम्बरलैन और मॉल्टेन का। इससे छोटे छोटे कण निकलकर अंतरिक्ष में अलग होने लगे और यह सब नतीजा गुरुत्वाकर्षण का था। और यही जो कण थे, जो छोटे छोटे कण थे, यही आपस में संघनित होने लगे, संयुक्त होने लगे, जुड़ने लगे और इसी से पृथ्वी तथा अन्य ग्रह बने। यह सिद्धांत था इनका। और इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर, महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। यानी इससे पहले जो परिकल्पनाएं थी, यानी लाप्लास और कांट की, तो उसमें पृथ्वी से संबंधित सिर्फ उत्पत्ति का ही सिद्धांत दिया गया था। पृथ्वी पर चीज़ें कैसे बनी, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो थोड़ी सी जो चैम्बरलैन और ये मॉल्टन की परिकल्पना है ग्रहाणु वाली, यह थोड़ा विस्तृत कही जाएगी और इसमें व्याख्या करने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी पर सभी कारक, सभी घटक कैसे बनकर सामने आए। चैम्बरलैन ने जब इतना कह दिया कि दो तारे थे और उन्हीं से आपस में आकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण ग्रहाणु अलग हुए और वही ग्रहाणु बाद में ग्रहों का रूप लेकर सामने आए, तो यहाँ पर जेम्स जीन जो हैं, यह इस पर और विचार करते हैं। जेम्स जीन और जेफरीज, ये दो वैज्ञानिक हैं। यहाँ पे दोनों का सन देख लीजिए, 1919, मतलब 1919 में दोनों ने एक साथ इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इनकी जो परिकल्पना थी यह ज्वारीय परिकल्पना कही गई। ज्वार का मतलब होता है उभार या उछाल। आप समुद्री लहरों में ज्वार भाटा देखते हैं वैसे ही, तो यहाँ पर ज्वारीय परिकल्पना का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। अब इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सौरमंडल है, यानी हमारा जो वर्तमान सौरमंडल है, उसका निर्माण सूर्य एवं अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य एवं एक अन्य तारा है, उसके संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया। ये लगभग वही बात है, वहाँ पर ग्रहाणु अलग हो गए थे, यहाँ पर तंतु अलग होने लगे, यानी सूर्य से रेशे निकलने प्रारंभ हो गए। इसे चित्र के माध्यम से देख लीजिए। यह है हमारा सन और इसी के पास एक दूसरा स्टार है जो कि इसी के आसपास टहल रहा है। अब ये जो दूसरा वाला तारा है, यह अपने गुरुत्वाकर्षण का सीधा असर सूर्य पर डालेगा। अब चूंकि यह भारी है, ये बड़ा वाला तारा जो है ये भारी है, आप सूर्य को छोटा बना लीजिए और इस तारे को थोड़ा बड़ा बना लीजिए। अब आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण किसके पास ज़्यादा होगा? बड़े वाले के पास ज़्यादा होगा। यह सूर्य को अपनी ओर खींचेगा, सूर्य पूरा नहीं खींचा, इसके अंदर से टुकड़े जो हैं ऐसे रेशों के रूप में खींचने लगे, इससे रेशे बनकर बाहर निकलने लगे। फिलामेंट माने रेशा। बल्ब के अंदर आप जो पुराने ज़माने का बल्ब होता था उसमें आपने फिलामेंट देखा होगा, जो एडिशन वाला बल्ब था, तो फिलामेंट का मतलब होता है तंतु या रेशा। यहाँ पर रेशे अलग होने लगे और यही रेशे जब अलग हुए, मतलब सूर्य से निकलकर बाहर आए, तो इन्हीं का बाद में विभाजन हुआ और इसी से विभिन्न ग्रह और विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ। यानी ग्रह और पिंड बने तो सूर्य से ही हैं, लेकिन ग्रहाणु के रूप में अलग नहीं हुए बल्कि रेशों के रूप में अलग हुए। और इसका कारण क्या था? यह बड़ा वाला तारा, इसी ने आकर्षित करके सूर्य को प्रभावित किया था। यह कहना था जेम्स जीन और जेफरीज का 1919 में। और यहाँ पर सूर्य के अंदर ज्वार जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। ज्वारीय उद्भेदन का मतलब सूर्य के अंदर उछाल, जो उसकी बाहरी सतह थी उसके टुकड़ों में उछाल उत्पन्न होने लगा, उभार उत्पन्न होने लगा, यानी एक तरह से ज्वार वाली स्थिति पैदा हो गई। इसीलिए इस परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना कहा जाता है। इस परिकल्पना का नाम इसीलिए ज्वारीय रखा गया है। अब ये जो फिलामेंट है, यह सौरमंडल की विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना और इसी में से पृथ्वी भी एक है। और अच्छी बात यह है कि ये जो परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन और जेफरीज की, इसे काफ़ी समर्थन प्राप्त है। जैसे बिग बैंग की थियोरी को लोगों की सहमति प्राप्त है, वैसे ही इसे भी पर्याप्त समर्थन मिला हुआ है। आधुनिक परिकल्पनाओं में इसे गिना जाता है। इससे पहले वाली जो परिकल्पनाएं थी वो पारंपरिक थी। यह आधुनिक विचारों से भरी हुई परिकल्पना थी, इसलिए इसे समर्थन दिया गया।
इसके बाद अगला नंबर आता है रसेल की परिकल्पना का, जिसे द्वैतारकवाद की परिकल्पना कहा जाता है। अब यह जो सिद्धांत है, यानी रसेल का सिद्धांत, यह जेम्स जीन और जेफरीज की परिकल्पना में ही एक तरह से क्या किया गया, संशोधन किया गया। इससे पहले हमने देखा है कि जो कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना थी उसमें लाप्लास ने संशोधन किया था। तो कुछ वैज्ञानिक जो थे वो अपने ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, वो दूसरों के ही काम में थोड़ा अपना जोड़ देते थे और उस पर अपना नाम चिपका लेते थे। इससे पहले भी हम लोग इसका उदाहरण देख चुके हैं। हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज हुई तो पीटर हिग्स ने बोसान को थोड़े ही खोजा था, बोसान को तो खोजा था सत्येंद्रनाथ बोस ने, लेकिन पीटर हिग्स ने उस पर अपना नाम चस्पा कर लिया थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके। वैसे ही रसेल ने भी किया, रसेल ने जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना को थोड़ा सा सुधार लिया। सुधार क्या था देख लेते हैं। रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूर्य और ग्रहों की वर्तमान दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसी समस्याओं का समाधान करने हेतु किया। यानी सूर्य और ग्रहों के बीच की जो दूरी है उससे जुड़ी हुई जो लोगों की समस्याएं थी, लोगों के विचार थे, विवाद थे, उनका समाधान करने के लिए, और साथ ही साथ जो कोणीय आवेग की अधिकता हो जा रही थी, यानी कोणीय आवेग एकाएक से बहुत बढ़ा हुआ मालूम हो रहा था, उसकी समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। और यह जो समस्याएं थी असल में यह जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना थी उनसे इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, यानी वे कोणीय आवेग की सटीकता से व्याख्या नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए रसेल ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस उसमें बता दिया कि वह जो तंतु अलग हुए उनके बीच में संबंध कैसे थे, उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कैसा था, सूर्य से उनकी दूरी कितनी थी, आदि आदि व्याख्याएं उसमें कर दी। इससे थोड़ी सी वह जो परिकल्पना है पुरानी वाली वही व्यापक हो गई। अब आइए आगे चलते हैं। रसेल के बाद ऑटो श्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना सामने आती है। नाम अच्छा है, धूल परिकल्पना, तो निश्चित रूप से इसमें धूल का जिक्र होगा। ऑटो श्मिट ये रूसी वैज्ञानिक हैं, रशियन हैं। इन्होंने 1943 में इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया, जिस समय हम आज़ादी के लिए लड़ने में व्यस्त थे, अपने देश से जो बाहरी विदेशी घुस आए थे उन्हें भगाने में व्यस्त थे और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक तरह से कमज़ोर हो गई थी। उस अवस्था में जो विदेशी थे वह आविष्कार करने में लगे हुए थे, और यही कारण है कि जो बाहरी दुनिया है वह हमसे आगे निकल गई और हम पीछे रह गए, भले ही हमारा इतिहास कितना भी गौरवशाली क्यों न रहा। तो 1943 जब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप ले चुका था, उस समय यहाँ पर रूस में ऑटो श्मिट जो थे वह आविष्कार करने में लगे हुए थे, अपनी नई नई कल्पनाओं को जोड़ने में लगे हुए थे। और इसके अनुसार, मतलब ऑटो श्मिट की जो अंतर तारक धूल परिकल्पना थी उसके अनुसार, सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था, यानी सूर्य जो था आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था, और उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस और गैसों के मेघ, यानी गैसों के बादल को, और साथ ही साथ धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी आकाशगंगा आप जानते हैं तीन भुजाएं होती हैं, घूर्णनशील। अब सूर्य इसके पास से गुजर रहा था ऐसा मानना था ऑटो श्मिट का, और उसने क्या किया, यहाँ पे जो गैसों और धूल के कण थे उन्हें अपनी ओर खींचना प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया आप जानते हैं, सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, और यही जो धूल के कण थे ये संगठित होने लगे, और इन्हीं के घनीभूत होने से, यानी इन्हीं के सघन होने से, इनका घनत्व बढ़ने से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सत्य मालूम नहीं होती है, क्योंकि धूल और गैसों के कण इकट्ठे होंगे तो ग्रह कम बनेंगे और तारे वहाँ ज़्यादा बनेंगे, तारों के निर्माण की यह स्थिति हो सकती है। ग्रहों के निर्माण के लिए यह उपयुक्त परिस्थिति नहीं है, क्योंकि अगर गैसों से ग्रहों का निर्माण होता तो फिर तारों और ग्रहों में फर्क ही क्या रह जाता। तो इनकी परिकल्पना एक तरह से काल्पनिक ही दिखाई देती है, इनका नाम है धूल परिकल्पना। और इन्होंने यही कहा कि आकाशगंगा के आसपास जो धूल और गैसों के मेघ इकट्ठे थे, धूल और गैसों के बादल इकट्ठे थे, उन्हें सूर्य ने अपनी ओर खींच लिया, और उसी के आकर्षण में बंधे हुए वे आकाशगंगा में ही संघनित होने लगे, उनमें घनत्व बढ़ने लगा, और परिणाम क्या हुआ, तारों और ग्रहों का सृजन हुआ। मूल रूप से यहाँ पे ग्रहों की उत्पत्ति की बात की गई। ऑटो श्मिट के बाद, यानी ऑटो श्मिट की इस परिकल्पना के बाद अगली जो परिकल्पना है वह है फ्रेड होयल या लिटिलसन की अभिनव तारा परिकल्पना। यह सबसे बाद की परिकल्पना है, और इसमें कहा गया है अभिनव तारा। अभिनव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभिनव मतलब नया, तो यह नए तारे की परिकल्पना की गई। इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम लिया गया है, फ्रेड होयल और लिटिलसन। इनकी किताब थी,
इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये किताब का नाम है, 1939 में इस किताब के माध्यम से इन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स दिए। और इन्होंने जीन्स की जो परिकल्पना थी, जीन्स की जो परिकल्पना हम पीछे देख चुके हैं, उसी में संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में दो नहीं बल्कि तीन तारों की भूमिका रही है। लीजिए, अभी तक तो दो ही थे, एक सूर्य था और एक बड़ा वाला था, अब एक और आ गया, यहाँ पर तीन हो गए, मतलब तीन माता पिता। तो देख लेते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण, जो ग्रह बने हैं वह सूर्य से नहीं बने हैं, यानी वह सूर्य से अलग होकर नहीं बने हैं, बल्कि उसके साथ ही तारे में जो विस्फोट हुआ है उससे बने हैं। तीन तारे थे, उसमें से जो सूर्य के साथ वाला तारा था उसमें एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये कहना था फ्रेड होयल और लिटिलसन का। उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़ी हुई अपनी जो किताब प्रस्तुत की थी उसमें ऐसा कहा गया था। और इनका सिद्धांत, इनका जो प्रिंसिपल था, वह ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता और ग्रहों की सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की जो मात्रा है उसकी व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ साबित हुआ। यानी इनका जो सिद्धांत था यह कई समस्याओं को सुलझाने में सक्षम था और कई समस्याओं को इसने सुलझा भी दिया। जैसे कोणीय संवेग से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, जितनी भी उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसे फ्रेड होयल और लिटिलसन की जो धारणा थी, अभिनव तारा परिकल्पना, उसने सुलझा दिया। इसके अलावा सूर्य से ज़्यादा घनत्व की जो बात कही जा रही है उसमें भी इसने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, इसलिए इसे माना जाता है। और इसमें तीन तारों की परिकल्पना की गई है, जिसमें से कि एक सूर्य है और सूर्य के साथ वाला एक तारा पहले ही हम लोग देख चुके हैं, और एक अन्य तारे की भी यहाँ पर कल्पना की गई, और माना गया है कि जो साथ वाला तारा था सूर्य का, उसी में विस्फोट हो गया और उससे बिखरे हुए कण जो है वो ग्रह बन गए। यहाँ तक हमने परिकल्पनाओं को देखा, अब एक बार आधुनिक सिद्धांत को देख लेते हैं, यानी जो मॉडर्न थियोरी है वो क्या कहती है। यहाँ तक सिर्फ कल्पनाओं में जी रहे थे, अब जो प्रायोगिक सिद्धांत हैं जिन्हें प्रयोग द्वारा पुष्ट किया गया है, प्रूव किया गया है, उन्हें देख लेते हैं। तो आधुनिक सिद्धांतों में आप जानते हैं, ज़्यादा इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता है नहीं, बिग बैंग का सिद्धांत आता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है स्फीति का सिद्धांत। तो बिग बैंग की थियोरी और स्फीति का सिद्धांत आप जानते हैं, बिग बैंग आप पीछे काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था, यह कैथोलिक पुजारी थे, और इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड, यानी जो हमारा कॉस्मॉस है, यूनिवर्स है, वह आकाशगंगाओं और सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए, मतलब यहाँ पर जो ब्रह्मांड है, आकाशगंगाएं हैं और सौरमंडल है, वह बना कैसे है। 15 बिलियन वर्ष पहले एक विशालकाय अग्निपिंड में विस्फोट हुआ था और उससे जो धूल के कण या काले पदार्थ और सामान्य पदार्थ बिखरे, उनसे ब्रह्मांड के कणों का सृजन हुआ और पूरा ब्रह्मांड निकल कर सामने आया। यह बिग बैंग की थियोरी थी। इस बिग बैंग की थियोरी में हम लोग ने प्रयोग भी देख रखा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हुआ था, और प्रैक्टिकल क्या था, वही लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC नाम की मशीन थी, जिसके द्वारा वैसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रयास किया गया जैसी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय घटी रही होंगी या बनी रही होंगी। और काफ़ी कुछ हमें जानने के लिए मिला, एक ईश्वरीय कण भी खोज निकाला गया जिसका नाम था हिग्स बोसान। इसके अलावा एक स्फीति का सिद्धांत है, यहाँ पर एक सिद्धांत की और बात कही गई है जो कि है स्फीति का सिद्धांत। स्फीति का जो सिद्धांत था वह बिग बैंग की थियोरी से ही निकलकर सामने आया था, और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जो दृश्य द्रव्यमान है, यानी ब्रह्मांड में जितना द्रव्यमान या जितनी मात्रा को हम देख पा रहे हैं, दृश्य का मतलब जो दृष्टि में आता हो, देखा जा सकता हो, वह ब्रह्मांड के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, यानी जितना हम देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें महसूस होता है, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते। यानी कुछ ऐसी चीज़ है ब्रह्मांड में जो कि अदृश्य है, तो वही अदृश्य सामान है डार्क मैटर, यानी काले पदार्थ। इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, यह ब्रह्मांड में विलीन रहते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते भले ही, लेकिन इनका अनुभव कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक होल का अनुभव हम कर सकते हैं। ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते, सिर्फ तभी दिखाई देता है ब्लैक होल जब वह किसी तारे को या किसी प्रकाशमान चीज़ को निगल रहा होता है, ठीक उसी समय उसकी इमेज ली जा सकती है, अदरवाइज जो ब्लैक होल है वो अदृश्य ही रहता है। ठीक वैसे ही ये जो डार्क मैटर है ये भी अदृश्य अवस्था में रहता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के द्रव्यमान और घनत्व में मुख्य भूमिका निभाता है। और इन्हीं काले पदार्थों के, यानी इन्हीं डार्क मैटर के समूहन से, इकट्ठे होने से आकाश गंगाएं बनी हैं,
आकाशगंगाएं ही नहीं बनी हैं बल्कि ग्रह भी बने हैं, तारे भी बने हैं और जितने भी खगोलीय पिंड हम जानते हैं या जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वे सभी बने हैं इन्हीं के सहयोग से। मुख्य भूमिका इन्हीं की है। तो बिग बैंग और स्फीति का सिद्धांत यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। स्फीति के सिद्धांत में कुछ नया नहीं है, ये बिग बैंग से ही लिया गया है, बिग बैंग का ही एक टुकड़ा समझ लीजिए इसे। और इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि ब्रह्मांड में जितना दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ ऐसी छिपी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं, और डार्क मैटर भी उतना ही रहस्यमयी है जितना रहस्यमयी हमारा ब्रह्मांड है। लेकिन विज्ञान रहस्यों को सुलझाने का ही एक रूप है, एक विषय है, तो ये रहस्य भी सुलझ जाएंगे। और इस अध्याय में हमने यही कुछ देखा, हमने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति की जितनी भी संकल्पनाएं थी उन्हें एक एक करके देखा। सबसे पहले हमने अद्वैतवादी संकल्पना को यहाँ पर समझने की कोशिश की। अद्वैतवादी संकल्पना में दो संकल्पनाएं हमारे सामने थी, एक तो कांट की वायव्य राशि थी और दूसरी लाप्लास की थी। दोनों में निहारिका से अलग हुए छल्लों की बात की गई, वही छल्ले बाद में ठंडे हुए तो ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद जब अद्वैतवादी संकल्पना पुरानी हो जाती है तो आती है द्वैतवादी संकल्पना। यहाँ पर बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस की बात कही गई, यानी दो माता पिता। इसका मतलब यह है कि सूर्य और एक अन्य तारे का यहाँ पर जिक्र किया गया, और जो दूसरा वाला तारा था वो सूर्य से बड़ा था, उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य पर पड़ा और सूर्य से जो कण अलग हुए उन्हीं से ग्रहों का सृजन हुआ ऐसा माना जाता है। इसी से संबंधित है ग्रहाणु परिकल्पना और इसी से संबंधित है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना और ग्रहाणु परिकल्पना में फ़र्क क्या था? तो ग्रहाणु परिकल्पना में सूर्य से कण अलग हुए थे और ज्वारीय परिकल्पना में सूर्य से रेशे अलग हुए थे, यानी फिलामेंट्स अलग हुए थे। इसी तरह से रशेल की परिकल्पना को हमने देखा, यहाँ पर कोणीय आवेग की अधिकता जैसी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उन्हें सुलझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो ऑटो शिमिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना थी उसमें यह माना गया कि सूर्य आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था और धूल के कणों और गैसों के मेघ को इसने आकर्षित कर लिया, और वही आकर्षण में बंधे हुए गैस के बादल और धूल के कण ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, उनका संघनन हुआ और वे बदल गए। इस तरह से ये परिकल्पना थी। इसी तरह से अभिनव तारा परिकल्पना को हमने देखा, ये 1939 में आई है। ये नेचर ऑफ द यूनिवर्स नाम की एक न्यूक्लियर फिजिक्स की किताब थी, उससे ली गई परिकल्पना थी। इसे देने वाले व्यक्ति थे फ्रेड होयल और लिटिलसन। इन्होंने कहा कि तीन तारे थे, यहाँ पर ट्राई पेरेंटल हाइपोथेसिस वाली बात आ गई, और तीन तारों में से एक तारा जो सूर्य के पास में था वह फट गया, और उसके फटने से जो टुकड़े अलग हुए उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। चूँकि सूर्य पास में ही था और उसका गुरुत्वाकर्षण उन पर प्रभावी था, उस पर काम कर रहा था, इसलिए वे टुकड़े ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंध कर उसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यहाँ तक हमने परिकल्पनाओं को देखा। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी थोड़ी झलक यहाँ पर मिल जाती है। कुछ नया नहीं है, बिग बैंग की थियोरी हम पहले भी देख चुके हैं, उसमें नया जुड़ा है स्फीति का सिद्धांत। तो स्फीति के सिद्धांत में हमने डार्क मैटर के बारे में थोड़ा सघनता से चर्चा की, यानी डार्क मैटर अदृश्य होते हुए भी, यानी न दिखाई देते हुए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रहों के सृजन में, तारों के सृजन में और आकाशगंगाओं के निर्माण में। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, इसके संबंध में, यानी पृथ्वी पर क्रमिक विकास कैसे हुआ, जीवन कैसे विकसित हुआ, यहाँ पर जीव कब बने, कैसे बने, कितने कल्पों में इसे बांटा गया है, यह सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, और तब तक के लिए नमस्कार।